नमस्कार मंडळी, मी संतोष तुमचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी आलो आहे मध्य प्रदेश येथील उज्जैन येथे। उज्जैन येथील नवग्रह शनिदेव मंदिर आज मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवणार आहे। व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करून बेलच्या चिन्हावर क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। उज्जैन येथील महाकालेश्वर मंदिरापासून अवघ्या 7.5 किलोमीटर अंतरावर शिप्रा नदीच्या तीरावरती त्रिवेणी संगम घाटाजवळ श्री नवग्रह शनी मंदिर आहे। हे मंदिर हजारो वर्षापूर्वीचे असून उज्जैन नगरीचे राजे राजा विक्रमादित्य यांनी या मंदिराचे निर्माण केले होते आणि येथे नवग्रहांच्या दशांचे पूजन केले होते। या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे या मंदिरात 9 ग्रहांच्या दशांचेही पूजन केले जाते। श्री नवग्रह शनि मंदिरासमोर श्री संगमेश्वर महादेवाचे मंदिर आहे। श्री शनिदेव हे सूर्यपुत्र असून यम देवाचे ते मोठे बंधू आहेत। या ब्रह्मांडाचे न्याय देवता म्हणूनही शनिदेवांना ओळखले जाते। ज्या व्यक्तीला शनिदेवाची दशा, अंतरदशा, धैया किंवा साडेसाती चालू असेल त्या व्यक्तीने येथे मनोभावे पूजन केल्यास, तेल चढवल्यास त्या व्यक्तीला या काळात होणारा त्रास कमी होतो आणि त्याचा उद्धार होतो, असे अनेक भाविकांचा अनुभव आणि विश्वास आहे। जय शनिदेव। मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यात शनिदेव शिवपिंडीच्या रूपात विराजमान असून बाजूलाच गणपती विराजमान आहेत, तसेच वर हनुमान विराजमान आहेत। या मंदिराविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊयात येथील पुजाऱ्यांकडून। महाकाल जय शनिदेव। यह जो मंदिर है नवग्रह शनि मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। यह अति प्राचीन मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन नगरी के राजा रहे, राजा के पास एक समय में नवग्रह देवता उज्जैन नगरी आए थे न्याय कराने के लिए। जब उन्होंने राजा विक्रमादित्य ने उनकी धातु के अनुसार न्याय करा तो शनि की लोहे की धातु होने के कारण उनको छोटा बताया। तब से शनि की 7.5 का प्रारंभ राजा विक्रमादित्य की दशा पे हुआ। राजा विक्रमादित्य को दशा काल में अनेक कष्ट भोगना पड़े, हाथ पांव कटा दिए गए, चोरी का कलंक लगा। जब राजा विक्रमादित्य की 7.5 समाप्त हुई तो राजा विक्रमादित्य शनि महाराज अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद बोला कि मांग तू क्या वरदान मांगता है। तो राजा विक्रमादित्य ने वरदान के रूप में मांगा कि हे प्रभु, आप मेरे पास नवग्रह देवता आए थे लेकिन मुझे वरदान दीजिए कि आप नवग्रह देवता मेरी उज्जैन नगरी में विराजमान होंगे और मैं आपका पूजन करूँगा। तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर नवग्रह देवता यहाँ त्रिवेणी संगम जो इंदौर रोड पर स्थित है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, शिप्रा, स्वाता, गंडकी। यहाँ पे राजा विक्रमादित्य के आह्वान पर नवग्रह देवता प्रकट हुए। प्रकट होने के पश्चात नवग्रह जो रुद्र रूप में विराजमान हुए, विराजमान होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे उनकी दशाओं का पूजन किया। दशाओं का पूजन किसी भी काल में किसी राजा ने नहीं किया। उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने दशाओं का पूजन किया। दशाओं का पूजन करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं आपकी दशाओं का पूजन कर रहा हूँ, मुझे या मेरे बाद भी किसी भी व्यक्ति द्वारा दशाओं का पूजन किया जाए तो उसको आपको क्षमा करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने दशा का पूरा पूजन प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम आराधना गणेश जी की करी। इसीलिए यहाँ पे पूरे पृथ्वी पर किसी भी शनि मंदिर में गणेश जी की आराधना नहीं होती है और यहाँ पे गणेश जी की आराधना होती है। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करी, उसके पश्चात शनि महाराज की 7.5 की दशा का पूजन किया, उसके पश्चात धैया की दशा का पूजन किया और आसपास सभी नवग्रहों की दशाओं का पूजन किया।
पूजन करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उनसे समा अर्चना करी, तब से यहाँ पे दशाकाल का पूजन किया जाता है। यदि किसी की कुंडली में महादशा अंतरदशा होती है या किसी की कुंडली में साढ़े साथी या ढैया की दशा होती है, वह व्यक्ति यहाँ आके दशाओं का पूजन करता है तो उसको क्षमा अर्चना प्राप्त होती है। तब से यहाँ दशाओं का पूजन किया जाता है। दशाओं का पूजन यहाँ के सेवा किसी भी पृथ्वी के किसी भी प्राचीन काल के मंदिर में नहीं किया जाता, हर जगह नवग्रहों का पूजन किया जाता है। तो राजा विक्रमादित्य ने तब से दशाओं का पूजन किया, उसके बाद अपना राजपाट भोग के अंतर ध्यान हो गए। जय श्री महाकाल, जय श्री। धन्यवाद गुरुजी। येथे नऊ ग्रहांची नऊ मंदिरे आहेत। नऊ ग्रह येथे शिव स्वरूपात विराजमान आहेत। शिव पिंडीच्या रूपातच या ग्रहांचे पूजन येथे केले जाते। दर शनिवारी येथे मोठ्या संख्येने भाविक शनिदेवाच्या दर्शनासाठी येथे येत असतात। तसेच दरवर्षी सोमवती अमावस्येला आणि विशेषतः दरवर्षी शनि अमावस्येला येथे फार मोठी यात्रा भरत असते। यावेळी लाखो भाविक शनिदेवाच्या दर्शनासाठी येथे येत असतात। जन्म पत्रिकेतील नऊ ग्रहांपैकी कुठलाही ग्रह जर खराब फळ देत असेल तर त्या ग्रहाच्या शांतीसाठी येथे पूजापाठ आणि अनुष्ठान केले जाते। उज्जैनला जर आपण कधी आलात तर श्री नवग्रह शनि मंदिरात अवश्य भेट द्या। श्री नवग्रह शनि मंदिराच्या बाजूलाच येथे त्रिवेणी घाट आहे। येथे शिप्रा, स्वाता आणि गंडकी या तीनही नद्यांचा संगम होतो। उज्जैन येथे राहण्यासाठी महाकालेश्वर मंदिराजवळ अनेक हॉटेल आणि धर्मशाळा आहेत। येथे श्री महाकालेश्वर भक्तनिवास देखील आहे। येथे कमी दरात राहण्याची चांगली सोय असून येथे कार पार्किंगचीही सोय आहे। महाकालेश्वर भक्तनिवासापासून अवघ्या अर्धा किलोमीटर अंतरावर जेवणासाठी बऱ्याचशा चांगल्या हॉटेल आणि भोजनालय देखील आहेत। येथे प्रति व्यक्ती 70 रुपयात पोटभर जेवण मिळते। या व्हिडिओला लाईक करा आणि असेच धार्मिक ऐतिहासिक आणि पर्यटनाविषयीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलच्या चिन्हावर क्लिक करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। धन्यवाद।